के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गुरुवार की शाम अपने गृह जनपद पहुंचे सीएम योगी की गुरु गोरखनाथ और अवैध नाथ की प्रतिमा पर पूजा अर्चना। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने अंत्योदय छात्रों से मिलकर रेल म्यूजियम और प्लेटफार्म का किया निरीक्षण। कहा मार्च तक पूरे हो जाएंगे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के सभी अधूरे कार्य। यात्रियों की सुविधा अनुसार मिलेंगी ट्रेनें। देवरानी द्वारा साजिश के तहत जेठानी के भाई से 5 लाख की रंगदारी मांगने वाले 3 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। SSP ने किया खुलासा। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर मंडल के प्रबुद्ध जन सम्मेलन का हुआ आयोजन। नेताओं ने 2019 में केंद्र में BJP सरकार बनाने की अपील। गोरखपुर में पहली बार आयोजित होगा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच। मुख्यमंत्री भी उठा सकते हैं हॉकी मैच का लुत्फ। चोरी के 8 वाहनों से ट्रैवल एजेंसी चलाने वाले शातिर अपराधी चढ़ा पुलिस के हत्थे। 8 चार पहिया व 3 दोपहिया वाहन हुए बरामद। कूड़ा निस्तारण के लिए महानगर में 2 स्थानों पर अर्धगत भूमिगत कचरा पात्र का महापौर और DM ने फीता काट कर किया उद्घाटन। महापौर ने कहा नगर वासियों का मिले सहयोग तो स्वच्छ और सुंदर होगा गोरखपुर। गोरखपुर में पुलिस वालों ने देखी उरी हमले पर बनी फिल्म द उरी सर्जिकल स्ट्राइक। SSP ने कहा देशभक्ति की भावना से जागृत करने के लिए दिखाई गई फिल्म। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला परियोजना समन्वय समिति की बैठक। समूह के माध्यम से 100 रोजगार उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली की मांग को लेकर शिक्षक कर्मचारी अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच का हड़ताल 2 दिन भी रहा जारी। धरना प्रदर्शन करके सरकार से मांगी पुरानी पेंशन व्यवस्था। अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर 11 और 12 फरवरी को अधिवक्ता रहेंगे न्यायिक कार्य से विरत। प्रधानमंत्री को प्रेषित करेंगे ज्ञापन। और मानदेय बढ़ोतरी की मांग को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का धरना 3 दिन भी रहा जारी। 11 फरवरी को लखनऊ में करेंगी प्रदर्शन।